नमस्कार, फिल्मीबीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिव्यांका त्रिपाठी के एक्स बॉयफ्रेंड शरद मल्होत्रा का रिसेप्शन हुआ कैंसिल, बड़ी वजह आई सामने। हाल ही में टीवी सीरियल बनू मैं तेरी दुल्हन के एक्टर शरद मल्होत्रा शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने रिप्सी भाटिया से मुंबई में धूमधाम से शादी की। शरद मल्होत्रा और रिप्सी भाटिया की शादी मीडिया में काफी सुर्खियों में रही। इन दोनों की शादी की तस्वीरें भी उनके फैंस ने खूब पसंद की है। लेकिन अब शरद और रिप्सी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर के अनुसार मई की 3 तारीख को शरद मल्होत्रा और रिप्सी भाटिया का रिसेप्शन होने वाला था, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया है। जी हाँ, चक्रवाती तूफान के कारण उनका रिसेप्शन कैंसिल कर दिया गया। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी थी। इसके बाद कोलकाता में ये तूफान 4 मई को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। इसके बाद तूफान ने बांग्लादेश का रुख किया है, जिसके चलते शरद और रिप्सी के परिवार ने 3 मई को होने वाले रिसेप्शन को कैंसिल कर दिया। इन दोनों के परिवार ने कोलकाता में खास रिसेप्शन रखा था, जिसमें शरद और रिप्सी के परिवार और दोस्त शामिल होने वाले थे। उन्होंने इस रिसेप्शन पार्टी का न्योता भी मेहमानों को दे दिया था, लेकिन तूफान के चलते उन्होंने आनंद फानंद में रिसेप्शन को कैंसिल करने का फैसला लिया। वैसे आपको बता दें कि रिप्सी भाटिया से शादी करने से पहले शरद मल्होत्रा दिव्यांका त्रिपाठी के साथ रिलेशनशिप में थे। कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। शरद से अलग होने के बाद दिव्यांका ने अपने को-स्टार विवेक से शादी रचा ली। वैसे शरद अपनी शादी में रिप्सी के साथ बेहद अच्छे लग रहे थे। सोशल मीडिया पर शरद और रिप्सी की शादी की तस्वीरें तेजी से वायरल हुई हैं। शरद और रिप्सी की शादी 20 अप्रैल को हुई थी। घोड़ी पर सवार होकर शरद अपनी दुल्हन को लेने आए थे। इन दोनों की शादी 2 रीति रिवाजों से हुई। ताज़ा खबर यह है कि इन दोनों का रिसेप्शन कैंसिल हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।